अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामा हेत छुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह चु आज ट्विटरस पे ट्वीट करान वोनमुत जे गुफकार अलायंस के लीडरों तरफ चु मुल्क मुखालिफ बयानबाजी करने इवान यल जन तमो ट्वीटस मंज अमे इतिहाद नक्तचीनी तक यह कत बाविन लायक जे गुफकार अलामिया ब्रो कुन पत भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ अमे इतिहाद नक्तचीनी करने इवान तो रात दोस मन नई दिल्ली अंदर भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सज करना आमुत यह दौरान पार्टी तर्जमान समित पात्रा तो पार्टी सीनियर लीडर तो मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद इमन लीडर हिंदन बयान हवाल कथ करान वोन जम लीडर अक्सर बेशतर मुल्क मुखालिफ बयानबाजी करान तो तत आज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ट्विटरस पे बाबत ट्वीट करान अत गुफकार इतिहाद तो इमन लीडर हवाल कथ करान वोनमुत जम मुल्क दुश्मन बयानबाजी करान यल जन अमित शाह ट्विटरस पे ट्वीट करान मजीद वोनमुत जम्मू कशीर उस भारत हिस्से चु भारत हिस्से तो रोज भारत हिस्से। यपर जो ट्वीटस हवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद लीडर उमर अब्दुल्हान ट्वीटरस पे ट्वीट करान अमित शाह मुखातिब सपद वोनमुत जिमन अमित शाह सज मायूस एहसास तिकाज तिमन उस वन आमुत गुफकार अलामिया कर इलेक्शन हूं बाइकॉट ताहम उमर अब्दुल्हान वोनमुत जिम दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदिस कुन त मनसूबस कामयाब सपदन। बीजेपी पार्टी सीनियर लीडर रविंदर रैनान चु गुफकार एलामिया तो कांग्रेस पार्टी हवाल कथ करान वोनमुत जम पार्टी आईएसआईएस सलित मिलित भारत में हालात खराब करान तो चीन पाकिस्तान तरफ चु इमन सियासी जमातन हालात खराब करने बापत पोंस फराहम करने इवान। चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में गुफकार गैंग में शामिल हुई है और गुफकार गैंग का एक ही लक्ष्य है जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना, लहूलुहान करना, भारत माता का और तिरंगे झंडे को अपमान करने की साजिश यह गुफकार गैंग कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी इस गुफकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन से पैसा लेकर देश के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रही है। मुझे शक है कि कांग्रेस के नेताओं के संबंध आईएसआई और शी जिनपिंग के साथ हैं और पाकिस्तान और चीन से मिलीभगत करके वो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अली महमद सागरन अमित शाह सदिस ट्वीटस हवाल कथ करान वोनमुत गुफकार इतिहाद अमल मज अन पत भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर बोखला हटक शिकार सपदमित। मैं हैरान हूँ, कल तक ये कह रहे थे कि इनका कोई आधार ही नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है, डॉक्टर फारूक के साथ बाकी जमातों के साथ वो कह रहे हैं कि लोग इनसे अब लोगों का दिल भर चुका है और ये 370 को लोगों ने पसंद किया है। आज गुफकार अलायंस को देखकर वो क्यों तिलमिला उठे हैं, बौखलाहट के शिकार क्यों हुए हैं? आज ये इतना हाई पीच पे जा रहे हैं, सीधा पाकिस्तान का एजेंट, सीधा पाकिस्तान ने ये कहा है, आज ये क्यों कह रहे हैं? मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझ रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं। अपोजिशन जो आपकी मेजर अपोजिशन है बीजेपी, उन्होंने कहा कि आप पावर हंगरी हैं इसलिए आप अभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि छोटा इलेक्शन है। अब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। वो लगता है उनकी स्टेटमेंट से लगता है वो बड़े बौखलाहट हो गए हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हम इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि वो जिस तरह उन्होंने पहले पंचायत इलेक्शन में किया कि अनकंटेस्टेड हुए, दूसरी जगहों से कैंडिडेट ला के यहाँ खड़े किए, तो वो चाहते थे वही माहौल।
ये लोग फैसला करेंगे, लोगों के तक है और आवाम ताकत का सर चश्मे सरदारी आवाम का हक है, लोग फैसला करेंगे, लोगों का जो फैसला है वो हर किसी को मंजूर होना चाहिए। हपर्च भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर विबोध गुप्ता वोनमुत वादी मज गुफकार एलामी कन इशारन पे भारतीय जनता पार्टी हिंद वर्कर हलाक करना आम। लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ एक साल से या 8 महीने से इन गुपकार गैंग के इशारे के ऊपर यहाँ पर बीजेपी के लोगों को कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 8 महीने में हमारे शहीद हुए हैं, वो उस सारी बात को लेकर ये एक चिंता भी है और मैक्सिमम लोगों को सिक्योरिटी मिली है, जिनको नहीं मिली है उनको भी सिक्योरिटी मिले। कांग्रेस पार्टी तर्जमान रविंदर शर्मा अमित सिंह बयान हवाल कथ कान वोनमुत यम लूक रात तम भारतीय जनता पार्टी सत अथवास कर तम मुल्क दुश्मन करार दिन बदकस्मती। अमित शाह जी को उनका जवाब देना चाहिए कि कल तक उनके सहयोग से वो मुख्यमंत्री थी और सजाद लोन जी बीजेपी के कोटे से कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उनको तो मुख्यमंत्री भी बनाने वाले थे 26 MLA जम्मू से लेकर के, इसलिए अमित शाह जी उनको जवाब दें कि कल तक उनके साथ सीट शेयरिंग ठीक थी, जब उनको पॉलिटिकली सूट नहीं कहा तो वो सारे इंटरनेशनल पाकिस्तानी और क्या क्या नहीं हो गए, इसलिए इस किस्म का डिस्कोर्स चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के हित की बात नहीं करती, इस तरह का ब्रांड करना ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को क्रेडिट देना है, बाकी किसी दूसरे मुल्क का कोई जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में कोई दखल या अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप खुद देश का होम मिनिस्टर इस तरह की बातें करेगा, जो लोग मुख्यमंत्री रहे सांसद हैं चुन के आते हैं और मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खान साहब बड़गम से तल्लुक थान वाले उम्मीदवारों तरफ आज जिले तरकियाती कमिश्नर बड़गम सिंदिस दफ्तर ब्रोह कने एहजाजी मुजाहरी करना आमुत यद दौरान एहजाजस में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान एहजाजस में शामिल उम्मीदवारों तरफ वनना आमुत ये एक तरफ इंतखाब अमल मज अन बापत माहौल साजगार वन इंतजामिया तरफ उम्मीदवार सिक्योरिटी हिंदिस नावस पे होटलन मज बंद करना आम यम कि सह मकसद फौत सपुद यम बापत इंतखाब अमल मज अन हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनकी लैंडलाइन अभी अवेलेबल नहीं है उनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया और हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे शहबाज मिर्जा साहब डीसी साहब है ये कम्प्लीटली इनका मिसमैनेजमेंट है, हमें जो है बंद रखा जाता है श्रीनगर होटलों में और हमें ट्रांसपोर्टेशन और ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि ताकि हम अपने इलाकों में जाके अपने वोटर से बात कर सके, कंपेन कर सके, अपने लोगों से उनसे वोट मांग सके, हमें हमारे लिए बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफी है, हमें ना ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है बल्कि जो और कैंडिडेट्स है ये फ्रॉड हो रहा है, जो और कैंडिडेट्स है उनको मौका दिया जा रहा है वो कंपेन करें इस वक्त, और एक आप ये देख लीजिए अभी 1 बजे है, 1 बजे तक हम अभी बड़गाम पहुंचे, फिर हम कब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां कंपेन करेंगे। हम एक ही होटल में रखे हैं और एक ही गाड़ी में, हमें बोलते हैं कि आप कंपेन के लिए चले जाओ, लेकिन आप देख लिए इस वक्त कौन सा टाइम है, हम पहुंच एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये हमें समझ नहीं आता कि हमें पांचों को क्यों इकट्ठे किया है, ये कोई साजिश चल रही है, हमें होटल में बंद रखा है और आगे कंपेन चल रही है। गुलमर्ग में ये वंद कल दौरान खेलन हंद सज कर मुकामी तो गैर मुकामी खिलाड़ी हिस्से नवान गुलमर्ग डेवलपमेंट अथारटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आम गुलमर्ग में तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमुत जन गुलमर्ग में वाले सयाहन तो दोमें लूकन कुन कस्म मुश्किल वेतरन पेन। हमारी यही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट यहाँ विजिट करें और एंजॉय करें, आप खुद भी देख रहे हैं हमारे अरेंजमेंट्स कैसे हैं, रोड क्लियर है, हालांकि बर्फ़ पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी बाज़ाब्ता यहाँ पर रिस्टोर हुई है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हम कोशिश यही हमारी रहेगी कि जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि यहाँ पर जितने टूरिस्ट आ सकते हैं आएँगे इंशाल्लाह। हर साल हमने देखा कि न्यू ईयर का हो या क्रिसमस का टाइम हो कोई ना कोई सेलिब्रेशन होती है, इस साल कुछ इंशाल्लाह हमें 2-3 मीटिंग्स हुई एडवाइज़र साहब हमें गवर्नर साहब सारे कीन हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे इस साल हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट ने इंडिया ने खेलो इंडिया का जो अनाउंसमेंट किया इसके लिए हम प्रिपेयर्ड है, तैयार है इंशाल्लाह, लेकिन हालात ही ठीक रहने हो जाएंगे इंशाल्लाह यहाँ सारे लोग आ जाएंगे।
वादी में ये हाल शीन पेन मगल शाहरा आमद रफ्त बाप बंद कर आई तथे इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल कर बाप कोशिश जारी या दौरान वत पे शीन तुलन काम मुकम्मल सपज इल जन मुतलिक महकमको जिम्मेदारों तरफ वन आव वत पे ट्रैफिक बहाल कर सवाल शीन तुलन काम मुकम्मल कर आम ताहम जरूरी मशावरत कर पी ट्रैफिक बहाल कर सवाल हुकुमनाम जारी कर मुगल रोड लियाकत अली बोल रहा हूँ फ्रॉम बुखलिया साइड से। हमारे तीन दिन से बर्फबारी हो रही थी लेकिन लगातार हमारे लड़के जो है वो बर्फ को क्लियर कर रहे थे रोड से, तो आज इंशाल्लाह हमने पीर की गली तक क्लियर करके वापस आके अपने हायर अथॉरिटी और डीसी पूंज को रिपोर्ट दे दी है कि मुगल रोड ओके है। और मुझे मेरे साथी जो को पार्टनर रहे वहां शिपाहिया साइड से, उन्होंने भी पीर की गली तक कर दिया और उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है कि हमने ओके कर। पूरी तैयारी है इसको, जैसे ऊपर से हमें आदेश मिलते रहेंगे तो वैसे वैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं और क्लियर करते रहेंगे। कछवारी खान साहब बड़गाम के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुत ये इलाकस में महकमे बिजली तरफ हाई टेंशन लाइन सर्विस लान वरान बाप कदम तुलना आई तथे लूकन मं कदम तुलन सशवीश पद सपद मुकामी लूको तरफ मांग कर आम ट्रांसमिशन लान ग बस्ती दूर वहरवन यी युद्ध जन लूकन मं पद सपद तशवीश दूर कर। أسہ روزان قصور خان صاحب بڈگوم کیا مسلہ تہ مسلہ حس اہس ہائی ٹرانسمیشن لائن اخم نوان بستی پیٹ کنت اہس نا ون پائے مطلب یہ کس لائن مطلب یہ کس ڈپارٹمنٹ مگر تمو یہ فائنل سروے تتن کورمت سن مطالبہ اہس رہائشی مکان گورنمنٹ موجود گورنمنٹ ایل جی صوب منوج سنہا اپیل کر تھی دیو ات من ذاتی مداخلت کہ اتن اس یہ بستی پیٹ گسان یہ ہائی ٹرانسمیشن لائن یت مزے پاپولیشن آسو لگ بھگ ات مزن نفر زور پانچ ہت ونکس موجود تہ یہ والے فیوچر خاطر تہ سوچن سان بچن کیا گھس ات مخالفت ات چیزس کر اگر حس تھی ہائی ٹرانسمیشن لائن اپر نیو بستی پیٹ مگر بستی پیٹ مہ نیو تھی کہین تھی نیو بستی اند ات کلو میٹر کم سے کم اہ کلو میٹر ات پیٹ کن بستی تپر رہائش پذر کہین تپر علاقہ یل یم نین لائن اپری کن اوپن ایریا کنت تک کر سپورٹ مگر بستی پیٹ نا دن کہین۔ جموں کشمیر میں یہ ڈی ڈی سی انتخاب عمل میں انس حوال تیارین حتمی شکل دن تج آج ٹاؤن ہال کز گنڈس من الیکشن عملس تربیت فراہم کرنے باپت تربیتی پروگرام سانز کر آمت یت دوران الیکشن عملس تربیت فراہم کرنے آئی یل زن ذمہ داروں طرف ون آو انتخاب صاف شفاف طریقہ من عمل من انس حوال تیاری مکمل کرنے ویڈیو قاضی گن دیکھیے یہ جو آج یہاں ٹریننگ پروگرام ہے یہ ایز پر دا ڈائریکشنز آف وردی ڈپٹی کمشنر اور نوڈل آفیسر ٹریننگ اے سی ڈی صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہم نے یہاں ٹریننگ کا پروگرام منعقد کیا ہے جس میں دو شفٹ سے صبح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور شام کو باقی ڈپارٹمنٹس کے علی ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ جو اپ کمنگ پنچایت الیکشنز اور ڈی ڈی سی الیکشن میں جو تھرڈ ٹائر ہے پنچایتی راج ایکٹ کا وہ پورا کرنے کے لیے جو الیکشنز ہیں اپ کمنگ اس کے ریگارڈنگ یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ڈی ڈی سی انتخاب عمل من انس حوال یت انتظامیہ طرف انتظام حتمی شکل دن تج ضلع ترقیتی کمشنر بنڈپور ام حوال کات کران ونمت ضلع من انتخاب حوالہ تیاری مکمل کرنے یت زن انتخاب صاف شفاف طریقہ من عمل من ان یین الیکشن کے حوالے سے پوری طرح سے تیاری ہیں۔ ضلع بانڈی پورہ میں جو ہمارے آر اوز اے آر اوز ہیں وہ آن جاب ہیں اور جو نامنیشنز آ رہے ہیں جیسے فرسٹ فیز کے بھی آئے اور سیکنڈ فیز کے بھی آئے تھرڈ فیز کے بھی آ رہے ہیں تو یہ سارے نامنیشنز وغیرہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہماری طرف سے آل سسٹمز آر ان پلیس، آل مشینری از ان پلیس، ہمارا مٹیریل پوری طرح سے پلیس میں ہے اور گریز کے لیے بھی جو مٹیریل تھا وہ سارا کچھ روانہ کیا جا چکا ہے اور ٹریننگس جس طرح سے دی جانی چاہیے آر اوز اے آر اوز کو وہ دی جا چکی ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ پارٹیز کو بھی دی جا رہی ہیں تو ہماری طرف سے پوری طرح سے تیاری ہے۔ عوام سے یہ گزارش رہے گی کہ بڑھ چڑھ
करके हिस्सा लें। ये जो नुमाइंदे इनमें से चुन के आएंगे वो वहाँ के तरक्याती जितने भी काम हैं, पंचायत पंच सरपंच जो चुन के आएंगे पंचायत लेवल पर तरक्याती कामों को अंजाम देने में उनका एक बहुत ही अहम रोल है। इंतजामिया तरफ ये वादी में सरकारी नरक नाम डंज थाने बापत मुहिम शुरू कर आज सोपरस में इंतजामिया तरफ चेकिंग कर दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले कईन दुकानदार निश मौके पे जुर्मान वसूल कर दुकानदार तंबे कर तम ग सरकारी नरक नाम पे अमल कर तिम खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में अन मिस्टर सोपोर की हिदायत से सोपोर के बहुत सारे इलाकों का मार्केट चेकिंग की तो हमने पाया कि रेट तो जेन्युइन ही है। हम दुकानदारों को कि इन फ्यूचर वो केयरफुल रहे कि जो रेट ज़्यादा ना ले एक खरीदार से, क्योंकि हमने अब ये फैसला लिया है जो कोई भी एक्स्ट्रा रेट से हम वंद कालस दौरान ये लोड शेडिंग किन अक्सर जायन पे महकमे बिजली तरफ नसब करना आमित बिजली ट्रांसफार्मर खराब सपदन तो वर्कशापन मन ट्रांसफार्मर शहर पर करनस मज वक्त लगान तच इंतजामी के हुक्मनाम पत वर्कशापन मज़ करन वाल मुलाजिम मुतहरिक करना आमित हंदवर कस्बस मज कई महकमे बिजली हिंदिस वर्कशापस मज ये खराब सपदमित ट्रांसफार्मर हिज मरम्मत चदमत सान जारी तच महकम को जिम्मेदारों तरफ तन आमुत वंद कालस इन सी ट्रांसफार्मर हूं खराब सपदन शुरू सपदमुत यम किन वर्कशापन मज शहर पर करनस दौरान कह वक्त लगन कि कस्बा हंदवाड़ा के अगर हम बात करूँ तो पहले तिजारत की बात करूँ, तिजारत के हवाले से बात करूँ, तिजारत की मतलब जितने भी यहाँ पे बिजनेस हब्स है या दुकानदार हैं इनको दिन में लाइट चाहिए दुकानों के लिए, लेकिन कहाँ है लाइट। रात को पता नहीं 2 बजे रात 2 घंटा आता है पावर, उस वक्त भी हमें किस चीज़ के लिए वो पावर चाहिए। हमारे देखिए बच्चे इस वक्त परेशान है, मैट्रिक का एग्ज़ाम है, TDC का एग्ज़ाम है, बच्चे भी परेशान है, हमारे इंडस्ट्री सारे बैठे हुए हैं, हमारे मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं बेहद परेशान है। उसके बाद यहाँ के लोग गरवा जितने भी यहाँ पे राइस पजीर है बहुत फेडअप हो चुके हैं बिजली की वसादत से। आज से 2 महीने पहले जब से इसने यहाँ पे नए एग्जाम ने यहाँ पे वो क्या नाम है उनका मकबूल साहब ने चार्ज संभाला, मैंने ये नहीं कहूँगा मकबूल साहब हमका सोतेली माँ का सुलूक कर रहे हैं, लेकिन उसकी जब से आमद वहाँ पे तशरीफ आवरी हुई वो उस कुर्सी पे, तब से हमें बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है, 2 घंटे भी नहीं मिल रही है। और कहने कहता है कि आरमपोला वाले बंद कर रहे हैं, आरमपोला तो उनका ग्रिड है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आरमपोला वालों से वो पूछ सकता है, न कि एक आम इंसान उनसे पूछ सकता है। आजकल देख रहे हैं बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है और इसमें बच्चे बहुत सफर हो रहे हैं इस चीज की लाइट की वजह से। अगर जनरल पब्लिक इसमें ये तावन दे डिपार्टमेंट को कि मिनिमम यूज करें वो हीटिंग एजेंट का एटलीस्ट, उसमें हमारी ये होगी कि पावर पोजिशन जो हमारी बेटर रहेगी इस चीज़ में। बाकी जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन प्लेस किया है कटनल शेड्यूल, वी आर स्ट्रिक्टली अबाइडिंग दैट शेड्यूल एंड वी प्रोवाइड द पावर सप्लाई टू द जनरल काउंसिल एज पर द शेड्यूल। जो हमारी इंस्पेक्शन टीम बन गई है, डिवीजन की तरफ से भी एक इंस्पेक्शन टीम हमने बनाई है और सब्जी की तरफ से भी 2 इंस्पेक्शन टीमें बनी हुई हैं। दे आर डूइंग मोस्टली वो जा रहे इलाकों में एक्सेसिव जो ये हमारा ये थेफ्ट ऑफ पावर हो रहा है या ये जो क्रूड दिस गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस विंटर सीजन, वो उसमें इंस्पेक्शन के दौरान वो निकाल रहे हैं। गुलाब आबाद सुपरू के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमुत यदवे मुकामी सड़कें हिंस खस्ता हाली हवाले कई आई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरन आव ताहम चुना आज ताम सड़कें हिंस शहर पर हवाले कहां कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सेठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूकों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुत गुल आबाद इलाकस कुन गज जोन दिन यून युद्ध जन लूकन बुथिन वाल मुश्किल दूर करने
اک وری برو سے ڈرین آئی بنانا تم پہ آئی یہ اتھے کن پینڈنگ تر اور تھی وپ بزرگ بڑ حالات لکٹ بڑ یور سکول زت چلان اور بچن ہند حالات تھی پان وچان سفر کران گورمنٹ بڑ بڑ دعوا کران اور میڈیا کران استعمال بڑ بڑ دعوا کران مگر ان اگر وچو زمینی سطحس پہ کھین موقع پہ وچان تھی وچو یہ وہاں یہ گلاب آڈ اور سوپر کھاڈ مالے گلاب آد اوقاف کمیٹی یسان لیفٹنٹ گورنر سن نوٹس من ان مسل اور تم کران پوری طور یہ مسلہ اس حل مشکلات یہ کہ آج گو وری یہ ڈرینز بنس تر برعکس گئی یہ ڈرین مکمل گئی کہ پت گئی ڈپارٹمنٹ کن کہ ترتو کیسا یت کرتو اس کی تھوڑا ریپیرنگ مگر کن کنس گو نس مس کی تو نتیجہ گو کہ بارش پیوان کھان چیز پہ اس بنا یپ کن پکن تک ٹوٹلی نا بنا کچھ پہ بڑس پکن تک وچن لکٹن ہن کتھ کیت یپ سکول تک بچس حالانکہ تم بچے ونکس کچھ پہ سکول تک گئی امی وجہ بند تل نپ کن پکن بنیا کھان چیز بنیا دکاندار پریشانی محل والن تریشانی ڈورک لوکو طرف سے شکایت باوان ون آمت یدوئی قصبہ مز رانگ پارکنگ کن اکثر بیشتر ٹریفک جام وچن تو ٹریفک جام ست عام لکن سٹھا مشکل ویترن پیوان تتہ انتظامیہ طرف ات پہ روٹ لاگن باپت کان قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف سے انتظامیہ مانگ کرنا آمت ڈوڑا قصبہ مز گھے معقول پارکنگ ہند انتظام کرنے یون یت زن عام لکن ہند مشکل دور کرنے یون جو یہاں کے ملازمین ہیں دفتروں میں ان کے پاس کوئی پارکنگ نہیں ہے دفتروں میں وہ سبھی گاڑیاں جو ہیں ملازموں کی اس روڈ پہ رہتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے اس وقت فٹ پاتھ پہ گاڑیوں کا جو جماوڑا ہے یہاں پہ لوگوں کا چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے بچے آتے جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں یا کہیں بھی آنا جانا ہوتا ہے یا بزرگ لوگ چلتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے راستہ چلنا تو اس لیے ہماری گزارش ہے چیئرمین میونسپلٹی سے اپنے ڈی سی صاحب سے بھی کہ اس کے بارے میں دیکھیں کیونکہ یہاں کچھ جگہ پہ پارکنگ بھی بنی ہوئی ہے اگر تمام گاڑیاں پارکنگ میں جو بھی ملازمین ہیں ان کی گاڑیاں پارکنگ میں لگ جائیں کہیں تو بہت اچھا رہے گا آپ ایک چیز دیکھو آپ دیکھو پی ایچ سی دفتر سارا بند ہے آگے سے کوئی 30 گاڑیاں ہیں ابھی اگر اللہ نہ کرے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے ٹریفک پولیس جو ہے ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک ہتھیار ساتھ رکھ کے جو ٹائروں کو پنچر کرے اور ایک بار مالک کو پتہ چلے کہ میری گاڑی کو ہوا نکالی میں نے یہاں پہ گاڑی نہیں لگانی ہے بہت زیادہ یہ ہے پنشمنٹ ایک ہو جائے ان کے لیے اور وہ پنشمنٹ ایک سزا بھی ملے اور یاد بھی رہے کہ میرے کو اندر پارکنگ ہے یار اندر پارکنگ میں نے 10 روپے دینے ہیں بظر یہ کہ میں کسی کو تنگ کروں تو ناظرین اچھ سی بہت کشر خبرنامہ ان دیو اجازت خدا ہے سوال